अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा डॉग पालना चाहिए, तो आज आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं लैब्राडोर, रिट्रीवर या रॉटविलर जैसे नाम देखने की, तो अभी आप वीडियो रोक सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में केवल देसी ब्रीड्स की बात होने वाली है। आपका स्वागत है डॉग नगरी में। देसी ब्रीड्स के ऊपर काफी वीडियोज है मेरे चैनल पे, जिसे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डॉग से रिलेटेड पोस्ट्स डालता रहता हूं। अब अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें एक अच्छे दोस्त के साथ साथ एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो कि आपकी, आपके परिवार की और आपके प्रॉपर्टी की भी रखवाली कर सके, तो आपको चाहिए एक गार्ड डॉग। इस काम के लिए जो सबसे पहला कुत्ता आता है दिमाग में, वो है राजपालयन। ऐसा नहीं कि ये क्यूट नहीं हो सकते, ये आसानी से अपनी प्लेफुलनेस की वजह से आपको एंटरटेन भी कर सकते हैं। आपके पास बुल्ली कुत्ता भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये ब्रीड आसानी से ट्रेन होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। बकरवाल डॉग भी एक जबरदस्त गार्ड डॉग है, लेकिन ये गर्म इलाकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपको ऐसा डॉग चाहिए जो कि आपके परिवार के साथ घुल मिलकर रहे, आपको खूब प्यार करे और आपका स्वागत कडल करके करे, तो आपको चाहिए एक फैमिली डॉग। आप फैमिली डॉग के लिए तांखुल हुई डॉग को पाल सकते हैं, जिसे हौफा डॉग नाम से भी जाना जाता है। ये फैमिली के साथ बिल्कुल प्यार से रहता है और घर की देखभाल भी कर सकता है। आपको अगर इस डॉग ब्रीड के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस कैटेगरी में लैब्राडोर से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो आप मेरी लैब्राडोर वर्सेस इंडियन पराय डॉग वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप अपने मोहल्ले वाले देसी कुत्ते को भी पाल सकते हैं एज अ फैमिली डॉग। अगर आपको ऐसा डॉग चाहिए जो कि आपका साथ दे सके आपके एक्सरसाइज या रनिंग में, तो आपको एक एथलेटिक डॉग चाहिए। वैसे इस कैटेगरी में बहुत सारे इंडियन डॉग हैं, लेकिन आपके लिए सबसे सही रहेगा रामपुर ग्रे हाउंड। इस डॉग ब्रीड के पास काफ़ी एनर्जी होती है और इसे बाहर घूमने फिरने खेलने कूदने में बेहद मज़ा आता है। आप चिप्पी पराई को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी ब्रीड है जो एनर्जी से भरपूर है। अगर आप छोटे डॉग्स के शौकीन हैं और आप ऐसा डॉग चाहते हैं जो आराम से बच्चों के साथ रह सके, तो आप इंडियन स्पिट्स को घर ले आ सकते हैं। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो आसानी से भारतीय घरों में रह लेती है। शायद इसी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी ये 90s के दौर में। इसके ऊपर एक वीडियो है जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे यहाँ भारत में ज्यादातर इलाकों में गर्मी का प्रकोप रहता है। ऐसे में अगर आप एक ऐसी डॉग ब्रीड ले आए जो कि यहाँ के मौसम के लिए ठीक नहीं है, तो वो आपसे ज्यादा उस डॉगी के लिए कष्टदायी हो सकता है। अब कौन सी वो ब्रीड है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे में आप कोई भी इंडियन ब्रीड का डॉग ले आएंगे जो भारत के मौसम के लिए ही बने हैं, तो आप दोनों ही खुश रहेंगे। हाँ, वो इंडियन डॉग्स नहीं जो सर्दी वाले इलाकों के लिए है। अब जब बात चली है सर्दी वाले जगहों की, तो बात कर लेते हैं उन डॉग्स की जो सर्द वाली जगहों के लिए हैं। अब अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप कश्मीर या हिमाचल जैसी जगहों में रहते हैं, तो फिर आपके पास बहुत ऑप्शन है इंडियन डॉग ब्रीड्स के, जैसे कि हिमालयन शीप डॉग, कुमाऊं मैस्टिफ, विखान शीप डॉग, जो कि जबरदस्त डॉग ब्रीड्स हैं सर्द इलाकों के लिए। अब इस वीडियो में और भी इंडियन डॉग ब्रीड्स आ सकते हैं, उनका जिक्र मैं आने वाली वीडियोस में करूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पसंद आया हो तो लाइक भी करिए। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे पालें देसी कुत्ते, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अपने देसी ब्रीड्स कम्पीट नहीं कर सकते विदेशी ब्रीड से, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपका नजरिया जरूर बदलेगा। डॉग नगरी में आगमन के लिए आपका धन्यवाद है।